अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं पुरानी दिल्ली का बटर चिकन। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और ये मैंने 250 ग्राम दही ली है। इसको मैंने आधे से ज़्यादा दही मैंने ग्राइंडर में फेंट कर रख लिया है और ये 3 से 4 चम्मच दही निकाल ली है मैंने। इसका पानी निकाल दिया है बिल्कुल, ये हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। और ये मैंने बटर ले लिया है 50-60 ग्राम के करीब और ये 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर है, ये घर की मलाई है, आप चाहें तो रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 कटोरी मैंने ये ले ली है, ये 2 से 3 चम्मच बटर मैंने मेल्ट कर लिया है, 3 चम्मच भर का लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और ये नमक ले लिया मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर है और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम चिकन अपना मैरिनेट करके रखेंगे, इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच भरकर, क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन अदरक यूज़ करेंगे। और ये हमने बटर मेल्ट कर लिया है, ये भी हम इसी में डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे 1 चम्मच के करीब, आप नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हम ये चाट मसाला पाउडर भी डाल लेंगे और ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी इसी में हम डाल लेंगे, और ये गरम मसाला है, ये भी हम इसी में डाल लेंगे, और ये दही, कोशिश करके दही आप गाढ़ी ही लें, पानी वाली ना लें। अब इसको हम अच्छी तरह हाथों से मिलाकर, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 से 3 घंटों के लिए रख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 20 से 25 मिनट रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके। अच्छी तरह से हम सारे पीस में मसाला लग जाए ऐसे हम मिलाएंगे इसको। देखिए यहीं पे आप अपना नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम है तो आप थोड़ा सा और डाल दें। ये देखिए ये मैंने अच्छी तरह से मिलाकर, अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए 25 से 30 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, अब हम अपना बटर चिकन बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पैन रख लिया है, अगर आपके पास इससे बड़ा पैन है तो उसमें भी बना सकते हैं ताकि एक बार में ही सारी चिकन आ जाए। और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है 3 से 4 चम्मच, आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने तेल में हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम सारे पीस लगा देंगे। इसे तेल हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है और थोड़ा सा स्लो कर दिया, अभी हमारा पैन छोटा है इसलिए हम 2 बार में करेंगे। देखिए बहुत स्लो हीट नहीं रखेंगे नहीं तो चिकन में हमारे पानी छूट जाएगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए चिकन हमारा नीचे से सिक गया है, अब इनको हम सारी पीसों को ऐसे पलट देंगे। अगर आपके पास खिचड़ी है तो आप कोयले में भी इसको सेक सकते हैं। सारे पीस को हम अपने पलट देंगे,
ऐसे ब्राउन स्पॉट चाहिए हमें हर पीस पर। दो से तीन मिनट के लिए हम उधर से भी इसको इसी तरह सेकेंगे ऐसे ही कलर आते हुए। ये देखिए चिकन हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, ये हम अपने निकाल लेंगे। अब इसी तरह बचा हुआ चिकन हम अपना और फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। इसमें हम जो हमारे पीस बच गए हैं वो बचा हुआ मसाला हम ये भी इसी में लगा देंगे। अब इसको अभी हम एक साइड से पका लेंगे, उसके बाद में हम इसको साइड चेंज करेंगे। देखिए ये चिकन हमारा एक तरफ से सिक चुका था, इसकी हमने साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड भी हम पका लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारी अच्छे से सिक गई हैं। अब हम अपने सारे पीस इसी में डाल देंगे। चिकन हमारा गल चुका है वैसे, लेकिन थोड़ी सी कसर है तो इसको हम हल्का सा ढककर पकाएंगे। अब इसमें पानी भी नहीं छूटेगा ताकि जो थोड़ा मोड़ा कसर बाकी है वो भी गल जाए इसमें। इसके बाद हम अपनी दही और क्रीम इसमें डालेंगे। चिकन हमारा गल चुका है, लेकिन जैसे थाई की पीस है ये पीस में थोड़ा सा कसर है वो भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ये मैंने सारे डाल दिए। अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो हीट पर। देखिए 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छे से पका लिए हैं। चिकन भी हमारा गल चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम अपनी मलाई और बटर शामिल करेंगे। ये हमने जो मलाई ली थी और दही इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है मिलाकर, इसमें हम डाल देंगे। आँच हमने बिल्कुल स्लो कर रखी है, बहुत तेज आँच नहीं करेंगे नहीं तो दही और मलाई हमारी फट जाएगी तो खाने में भी नहीं अच्छी लगेगी और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए
गैस हमने अपनी बंद कर दी है, हमें इसे पकाना नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे ये भुना जीरा पाउडर हमने जो लिया है आधा चम्मच के करीब। और बचा हुआ बटर जो है ये भी हम पिघलाकर इसी पे डाल देंगे। देखिए मक्खन हमने पिघला लिया है, अब इसको हम इसी पे डाल देंगे। बटर चिकन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, अब इसको हम डिशार्ज कर लेंगे। देखिए दिल्ली स्टाइल बटर चिकन हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसको रोटी या लच्छे पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।